नमस्कार, जय सिया राम, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। हम आपके बीच में राजा चंद्रपाल सिंह सोलंकी, पलेरा जिला टीकमगढ़ से, सोलंकी स्टूडियो पलेरा चैनल के माध्यम से। तो आज हम मिलवाने के लिए जा रहे हैं बुंदेलखंड की बहुत अच्छी शख्सियत से, जो हमारे गुरु महाराज भी हैं संगीत लाइन में, जिनको हमने प्रथम गुरु माना है। तो उनका नाम है सम्माननीय परमादरणीय सिद्धे श्री बलराम यादव लल्ला, देवपुर खरगापुर जिला टीकमगढ़। आपके बीच में लल्ला जी, नमस्कार कीजिएगा। नमस्कार सभी बुंदेलखंड वासियों को, जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे गाने सुनते हैं उनको सत नमन है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे आदरणीय बलराम यादव लल्ला जी का कॉन्टेक्ट नंबर है 98-93-40-26-50। तो इस नंबर पे आप इनको ढेर सारी बधाइयां दें, शुभकामनाएं दें और इनको लाइक कमेंट शेयर करें। तो लल्ला जी, जैसे कोई आपको बधाई देना चाहता है, शुभकामना देना चाहता है, तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, अच्छा लगेगा? नहीं, हम तो हमारे जानने वाले हैं, हमें क्यों गुस्सा आएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लल्ला जी, हमारे सवाल आपसे स्टार्ट होते हैं। आपने गाने शुरू कब से किया? गाना जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गाने का शौक तो बचपन से ही था। हमारे पिताजी फाग गाया करते थे, तो घर में संगीत का माहौल रहता था। अच्छा। और फिर स्कूल में आए तो स्कूलों में जब शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी, तो गांव में छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़े तो वहाँ भी गाया। फिर यहाँ पर खरगापुर जो है एडमिशन लिया कक्षा छठवीं से, तो यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी काफी कार्यक्रम हम लोगों ने दिए, और उसी समय से गाने में शौक हो गया। अच्छा अच्छा, तो लगभग क्या उम्र थी उस वक्त? अब उस समय तो यही उम्र थी कि पांचवी पढ़ता है, फिर लड़का बच्चा पढ़ता है, तो क्या उम्र होती है उसकी, 6 वर्ष। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, धन्यवाद। तो संगीत की शिक्षा कहाँ से पाई आपने? संगीत की शिक्षा में पहली शिक्षा तो घर ही से मिली, पिताजी गाया करते थे फाग वगैरह। अच्छा अच्छा, तो उसी से हमें जो है हम सुरीले थे, पिताजी अच्छा गाया करते, तो बहन भाई भी बहुत अच्छा गाते थे, हम लोग सब बहन भाई। और फिर घर में जब रेडियो हुआ करता था, तो हम रात रात भर रेडियो सुनते थे, अच्छे अच्छे कलाकारों को, बड़े बड़े कलाकारों को रेडियो जरूर हमने रखा है। खेती का काम भी किया तो रेडियो साथ में रहा, रेडियो से ज्यादा हमने संगीत बचपन से सीखा। अच्छा अच्छा, आपने किन किन कलाकारों के साथ गाया? अब हमने तो हमारे साथ भी बहुत कलाकारों ने गाया, लेकिन जो अपने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार रहे, दिलशाद जी पटेल या हरगोविंद मिश्र वगैरह, और पुराने कलाकार और नए वाले जितने हैं, उन लोगों ने भी हमारे साथ खूब गायन किया है। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। अभी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में कलाकार बहुत गंदा गा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ऐसा है, ये बात तो मैंने 5 साल पहले उठाई थी, जब मऊरानीपुर में जो सामने कलाकार थे उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था। अच्छा, गुर्जर जी ने। हाँ, तो उस समय मैंने कहा था कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं और मैं ऐसा ना गा सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। तो लोगों ने कहा था कि लल्ला को तो पराजित कर दिया उसने, लेकिन वो पराजय थोड़ी थी मेरी, मैंने उसी समय कहा था कि ये बात गलत है, आगे चल के इससे दिक्कत आएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कलाकारों से कि भाई गाए, हंसी मजाक चलता है, किसी की बारात में जाते हैं तो हम भजन गाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके ही हंसी मजाक के गीत गाया जाए, मैं ये चाहता हूँ। और जैसे छोटा कलाकार है बेचारा, उसी से पलता पुछता है, तो वो तो उसे पब्लिक के हिसाब से गाना पड़ता है। और जितने भी कलाकार हैं जो आज कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, सब उस दौर से गुजरे हैं, तो गुजरना ही पड़ता है। नया कोई कलाकार है और उसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसा वैसा गा सकता है। और यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, द्वियर्थी गीत चलते हैं, कुछ ना कुछ गाने का अर्थ जरूर हो, ऐसा गाएं। अच्छा अच्छा, नहीं तो गाने का अर्थ तो सही होता ही है, पर गंदा क्यों आदमी कहता है उसको? नहीं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ना बहुत से लोग, अब ये एकदम से खुला शब्द प्रयोग करने लगे, वो अमर्यादित शब्द होते हैं, वो मंच से पेश ना किए जाएं। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। आपने कहां कहां कितनी बड़ी बड़ी मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर कार्यक्रम किए हैं? अब अपने तो जो बुंदेलखंड है पूरा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, तो जैसे अपने एमपी का बड़ी मंच रहे, जिसपे सीएम शिवराज सिंह जी भी रहे, सीएम कमलनाथ भी रहे, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, और यूपी के जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनके मंचों पे भी कार्यक्रम किए,
और अपने जो जितने आसपास के विधायक हैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, उनके संपर्क में भी हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके स्वर्गीय श्री पटेया जी से, लोकी सम्राट जी से आपके क्या संबंध थे, कैसे मधुर संबंध थे? हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, हम उनसे बहुत ज्यादा तो नहीं मिले, कार्यक्रम में अक्सर मिला करते थे, और उनको मेरा गाना बहुत ही पसंद था। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत राग रागनी में गा लेता हूँ और शास्त्रीय संगीत का भी हल्का सा ज्ञान रखता हूँ, तो पटेया जी को वो बहुत अच्छा लगता था, वो हमेशा आशीर्वाद देते रहे। आपने भी मेरे वीडियो देखे होंगे, तो उन्होंने मुझे खूब सराहा है, खूब आशीर्वाद दिया है, बड़े अच्छे संबंध थे उनसे हमारे। अच्छा अच्छा, और हमने अक्सर आपको देखा है अलाफ लेते और राग रागनी में, तो ये कैसे अलाफ कैसे सीखा लेना? ये ऐसा है कि अक्सर लोकगीत लाइन में लोग शास्त्रीय संगीत का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो उसमें अलाप वगैरह जोड़ता हूँ, लोग बाग सीधा सीधा गा देते हैं। अब मुझे बचपन से शौक रहा, क्योंकि जब मैं वहीं गांव में पढ़ता था, छठवीं सातवीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं राग रागनियां सुना करता था, फिलिप्स का मेरा रेडियो था, उससे बड़े 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 गुलाम अली साहब का गायन आ रहा है और बड़े अच्छे शास्त्रीय गायकों का गायन सुना करता था, तब से राग का जो है मुझे शौक हुआ। और नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली बहुत सुनता हूँ, उनके अलाफ सुनता रहता हूँ, शेर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने लोकगीत में उनका प्रयोग करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिल्मी दुनिया में आप किस किस कलाकार के गीत सुनते हैं? फिल्मी दुनिया में हमारे पसंदीदा कलाकार पुराने कलाकार है, रफी साहब है, मन्ना डे साहब है, और शलमा आगा है, लता जी है, और गुलाम अली साहब की तो कहने क्या है, ऐसे हमारे जो ऊंचे ऊंचे कलाकार हैं सब कुछ सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है और देखा भी है कि आप 12 मई रात के 3 बजे उठते हैं और 3 से लेकर 5 बजे तक आप संगीत की शिक्षा टीवी पर लेते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसा क्या देखते हैं आप? ऐसा है कि जो शास्त्रीय संगीत है वो अक्सर टीवी वाले रात में लगा देते हैं। अच्छा, क्योंकि उसको कम लोग देखते हैं। अच्छा, तो रात में मैं जाग जाता हूँ, शाम को जल्दी सो गया, रात के 2 बजे जाग गया, तो 2 बजे शास्त्रीय संगीत सुनने को मिल जाता है। कितने बजे देखते हैं आप? सुबह तक, फिर सोता थोड़ी। अच्छा, 5 बजे तक। हाँ, तो बंजू मैं बताना चाहूंगा, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह भी हूँ कि रात के 2 बजे जागते हैं और सुबह 5 बजे तक जागते हैं और ये संगीत की शिक्षा लेते। कई बार मैं रुका इनके घर पे, इनके आज मैं बंगले पे आया हूँ खरगापुर में, और निवासी देवपुर है जो खरगापुर से 2-3 किलोमीटर बगल में है, तो मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा है कि लल्ला 2 बजे जागते हैं, 5 बजे तक अपना होमवर्क करते हैं, टीवी पर देखते हैं, सीखते हैं। तो इनके अलाफ हमें बहुत प्यारे लगते हैं और लगाते हैं शक्कर और गौर और बराई से मीठे इनके अलाफ, और इनकी आवाज़ मुझे लगती है, आवाज़ सभी की अच्छी है, सबकी अच्छी लगती है, सबकी आवाज़ में फर्क फर्क थोड़ा बहुत होता है, तो हमें अच्छी लगती है आवाज़ इनकी। तो आने वाले समय में आप संगीत में क्या करना चाहते हैं? आने वाले संगीत में मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा गाया जाए बुंदेली संगीत, बुंदेलखंडी संगीत बहुत ऊंचाइयों पर जाए, और इसमें सभी कलाकार सहयोग करें, एक दूसरे की कमियां ना निकालें। वही क्या है, बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य कि कलाकार एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, इसको बंद करके और मिल करके जो है अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दें, ताकि जैसे भोजपुरी संगीत सारे विश्व में पहुंच गया है, अपना बुंदेलखंडी संगीत भी पहुंचे। आप अपनी पसंद के कुछ गीत सुनाने से पहले ये बताएं कि सोलंकी परिवार से अपने आपके संबंध कैसे हैं, कब से हैं? सोलंकी परिवार से तो ये समझिए कि कम से कम 30 वर्ष हो गए। अच्छा। हाँ, जब तुम छोटे हो गए, जब तुम्हारे पिताजी वहाँ चंदेरा में अपनी दुकान खोले थे, तब से हमारे संबंध आज तक वैसे ही चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी हम गए भी थे तो तुम्हारे छोटे भाई जयपाल ने वहाँ पर कपड़े की दुकान खोल रखी है, तो उसने हमें भेंट में चड्डा दिया है। अच्छा। तो हम रखे ही नहीं थे। अच्छा। पहने के कभी। अच्छा, चलिए, आपको अपनी मधुर आवाज में गायन के रूप में जाना जाता है, आपको मधुर जी जी मीठी, हाँ, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, ये तो गला तो ईश्वर देता है, सब मालिक का कर्म है, जैसा उसने दिया है, और फिर गला बनाना भी पड़ता है, लोग गुटखे तंबाकू का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसी वैसी चीजें खाते हैं, उससे गला खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा अपने गले की साधना भी करना चाहिए। अच्छा अच्छा, और फिर और गाते रहो, गाते गाते जो काम जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा उसमें निखार आएगा। बंधु, एक सवाल, दो सवाल मेरे अंदर है, मुझे लल्ला जी ने इतना प्यार दिया है, मैं झूठा तो नहीं कहूंगा, अगर लल्ला के हृदय में परिवार में जगह, फिर पहले माँ बाप की होती है, फिर भाई बहनों की होती है, फिर बाद में बच्चे की होती है,
तो बच्चे के बाद हमारा पहला नंबर आता है बुंदेलखंड में, हमको लल्ला बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, कोई दुख सुख तकलीफ हम इनको सुनाते हैं, वो हमको सुनाते हैं, और कभी कोई चाहे पैसे की हो चाहे गाड़ी की जरूरत इनको पड़े हमको, हम लोग एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये हकीकत है। तो लल्ला एक स्वयं का सवाल और है हमारा जी, लोग बाग हमसे कहते हैं कि आपको आपने लल्ला जी को बहुत आगे बढ़ाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं, और कल भी हमारे पास मुन्ना लाल यादव आजाद नेवाड़ी क्षेत्र से फोन आया था कि आपकी देन कन्हैया से पहले आपकी देन है लल्ला के लिए, लेकिन हम मैं नहीं कहता हूँ, हमें तो ये लगता है कि बन शेर खरा का शेर बन खरा का, लल्ला ने मेरे को उठाया है, आज उनके नाम से हमारे स्टूडियो को जाना जाता है, हमको जाना जाता है, तो बोले नहीं वो आपका भी लल्ला को सहयोग, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, हमारा कुछ सहयोग है आपके जीवन में? ये ऐसा है कि वो लोगों की नजरों में उन्हें जैसा लगता है वो अपना कहते हैं, अब वो तो आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, फिलहाल बताइए, फिलहाल एक दूसरे के पूरक है, आपको मेरी जरूरत थी, मैंने आपका सहयोग किया, आप उससे ऊंचे गए, आपने मेरा नाम किया। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद, दोनों का एक दूसरे के प्रति बिल्कुल दोनों का एक जैसा सहयोग। अच्छा चलिए, तो लल्ला जी एक बात और है, अब सबसे आपके साथ ज्यादा ज्यादा समय किस गायिका ने आपका साथ दिया है? हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा रश्मि ने बहुत ज्यादा गाया, और बहुत सी महिला कलाकारों ने गाया, लेकिन रश्मि ने बहुत गाया। पहले जब उन्होंने शुरू किया था गाना से 1991 में, 90 में, जब कमला यादव हुआ करती थी यहीं नजदीक गांव फुटेल, अच्छा अच्छा, वहां से हम शुरू हुए थे, कई लोगों ने गाया लेकिन रश्मि यादव ने बहुत ज्यादा गाया। अच्छा अच्छा, और सम्मानीय दादा भजन लाल यादव, दादा भजन जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग। कैसा है? क्योंकि जब से भजन लाल जी मिले तो हमें गीतों की कोई कमी नहीं है, उनका निर्देशन हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वो भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आज ही आए थे वो, 1 घंटा हमारे पास बैठ के गए। अच्छा, और हमारे संगीत जीवन में बहुत बड़ा सहयोग हमारे खड़गापुर जो मेला लगता है, जो हमारे राजा साहब भरवाते हैं मेला, बेबी राजा साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हमें मंच दी और हमें समय दिया, और भजन लाल जी और मैं उस मंच से आगे बढ़े। अच्छा, आपको कोई अभिमान है लल्ला अपनी गायकी पे, जिस तरह आपको प्यार? हमें कोई अभिमान नहीं है। अच्छा, हम तो सेवक हैं, हमें तो इतना ही बहुत है कि हमारे पास भले ही पूंजी ना हो, लेकिन पहचान की इतनी पूंजी आप लोगों ने दे रखी है। हाँ जी, अच्छा, आपके घर में दो दो लाल बत्तियां हैं, SDOP भतीजो है, भतीजे साहब हैं, और वो प्रोफेसर साहब बड़े भैया हैं, और आप सुना है आप मास्टर थे, तो आपने क्यों रिजाइन दिया उसको, क्यों दिया मास्टर जी को? क्या है कि हमें गाने का बहुत शौक था, तो उस समय 500 रुपए मिलना थे, तो मैंने कहा 500 तो ठीक है कमा लूंगा 5 दिन में, इसलिए मैंने वो 500 वाली नौकरी। तो गाने के पीछे सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? तो ऐसा वो तो हमें क्या नहीं मिला, उसमें क्या मिलता जितना इसमें मिला है। हाँ सर, कुछ मिला है। तो चलिए धन्यवाद, तो चलिए आवाज की, लल्ला जी की आवाज, वही मीठी, वही मीठा अंदाज, वही लटक झटक, वही अटक, वही सुंदर और सुरीला अंदाज, तो सुनते हैं लल्ला जी से बिलवाली। और हमारे बीच में बहुत अच्छे आर्मी के जवान रिटायर हैं जो आए हुए हैं, राय साहब आलमपुरा से, और उनके जो मित्र जी हैं, दिखाइए उनको। तो हम लोग आए हैं, तो आज इन्होंने कहा हमको भी लल्ला जी का इंटरव्यू देखना है, इधर कीजिएगा कैमरा, और हमने लल्ला जी से बहुत दिन पहले कहा था लल्ला जी इंटरव्यू दीजिएगा, बोले नहीं आप पे आरोप लगेगा कि लल्ला जी का ले लिया, उतनी महत्ता नहीं मिलेगी, पहले सब लोगों को लीजिएगा, बाद में हमारा लेना। तो लल्ला जी की आज्ञा से आज मैं लल्ला जी का, और हम अपनी मतलब लल्ला ने बाद में आज्ञा दी थी कि सबसे बाद में लेना, बीच में ले लेना, तो हमने 1 साल बाद लिया है, जब से हमने 1.5 साल से स्टार्ट किया इंटरव्यू, हमें बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, देते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, चरण वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जो हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, फोन पर बधाइयाँ देते हैं, बॉर्डर से लेके सर हमको बहुत लोग इस पर प्यार देते हैं, तो हम उनको सब सब नमन करते हैं। तो आइए लल्ला जी सुनते हैं दिलवाली। अरे छिप गई यो पहरिया की ओट परे बा, हालत बाने बचे रहियो, छिप गई यो पहरिया की ओट परे बा, हालत बाने बचे रहियो, अरे हाँ हो परे बा, अरे हाँ हो परे बा, ऊपर घात सचान करे उन्हें चिठाड़ बहिरिया लेके बान परे बा, घालत बान बचे रहियो,
छिप जइयो पहरिया की ओट परेवा घालत बान बचे रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधु एक और बात बताना चाहूंगा, बहुत प्यारा गीत है और अगर ज्यादा बड़ा इंटरव्यू हुआ तो मैं दो भाग करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और अगर मैं भाग एक डालूं तो समझ लेना कि भाग दूसरा आने वाला है और अगर भाग एक ना डालूं तो नहीं समझना कि भाग दूसरा आने वाला है और भाग एक डाल दिया तो समझ लेना कि भाग दूसरा भी आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लल्ला जी, अपने बुंदेलखंड की बहुत अच्छी विधायक दादा जी, इसको भी बड़े अच्छे सुंदर ढंग से हो अला आपके साथ। बलम मोरो बेरी बिड़निया राखे, के बलम मोरो बेरी बिड़निया राखे, सोतन लो जावे तो फुसर फुसर सोवे। अच्छा। हाँ, सोतन लो जावे तो फुसर फुसर सोवे। हाँ। और मूलो जो पड़वे। हाँ। तो सब रातन काखे, बलम मोरो बेरी बिड़निया राखे, बलम मोरो बिड़निया राखे, अब बलम वा बेरी बिड़निया राखे, बलम मोरो बेरी मोरे राजा मोरो बेरी, बलम मोरो बेरी बिड़निया राखे, बलम मोरो बेरी बिड़निया राखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गजल है हमारी पसंद की, मेरी दास्तान हसरत, मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये गजल मैं जब एक टेप हुआ करता था तो मैं टेप की कैसेट बहुत खरीदता था। अच्छा। तो गुलाम फरीद मकबूल साहब जी बहुत बड़े कवाल थे, अब तो वो नहीं रहे। एक बार वो ललितपुर आए थे, हेलीकॉप्टर था उनका खुद का, उससे कवाली करने के लिए। तो उनकी ये बहुत प्यारी गजल है। मेरी दास्तान हसरत जो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत जो सुना सुना के रोए, वो मुझे आज माने वाले मुझे आज मान के रोए, मुझे आज माने वाले मुझे आज मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए, रोए के वो दूर जाके रोए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आ गया। तो किसान का गीत से पहले हम अपना पसंद का गीत सुनना चाहेंगे आपसे, हंसी खुशी से जाओ सासरे। अरे नैने पुतरिया सोच रहिया, कुले ना दाग लगियो, हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े मजे से रहियो, ओ हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े मजे से रहियो। ये लड़की की माँ कहती है। हाँ, लड़की से। हाँ, लड़की से कहती है, अपना बुंदेली पारंपरिक गीत है। हाँ। और लिखा है इसमें, अंत समय तक पेरे रहियो लली लाज को गानो, यो क्योंकि औरत की सबसे बड़ा गहना है लाज, अगर लाज ही ना हो। अंत समय तक पेरे रहियो लली लाज को गानो, और कहे शिवाजी अजर अमोलो सबको जानो मानो, और पनवे सुरमानियो पति खा कुले ना दाग लगियो, हंसी खुशी से जाओ सासरे बड़े मजे से रहियो, बेटी बड़े मजे से रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लल्ला जी आखिरी सवाल और था, अगला गीत और सुनाएंगे, आगे जो साजबाज वाले हैं इनको क्या कहेंगे कि आप जो अपना दिन का समय है या रात का समय नष्ट ना करें, रिहर्सल करें या संगीत की शिक्षा लें, साजबाज वालों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बजाने वालों से यही कहना चाहूंगा कि आजकल चड़पला है कि चाहे दादरा गाओ चाहे बिलवारी गा रहे, सब में नगड़िया बजा रहे हैं, वो एक पैटर्न बना रखा है, वैसा ना करें क्योंकि बुंदेलखंड में हर प्रकार का वादन है, ढेमारी आई है, कछियाई है, धोबियाई है, भाग है,
तो उसको सबको राई में आजकल ये चल पड़ा है कि सब लोग राई में सब गा देते हैं, ये बात गलत है। इसमें बुंदेलखंड का बहुत नुकसान हो रहा है। कछियाई में कछियाई बजना चाहिए, ढेमरियाई में ढेमरियाई बजना चाहिए और फाग में फाग बजना चाहिए। हर उस गीत हर रिदम राई में नहीं बजानी चाहिए। तो मैं बजाने वालों से यही निवेदन करूंगा कि जो अपने पुराने कहरवा है, दादरा है, दीप चंदी है, मात्राओं से बजाया जाता है, इन सबको सीखे और जैसी धुन है उस प्रकार से आप वादन करें। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा राग रागनी के बारे में हल्का सा। अब राग रागनी अपने आप बुंदेलखंड में ज्यादा रागों का तो काम नहीं पड़ता। राग दरबारी है और अपना सवेरी का राग है जो है वो गाया जाता है, भैरव है, भैरवी है, और अपना कलावती है। अच्छा अच्छा, ऐसे कुछ राग हैं जो अपने। अच्छा, एक गीत हम आपसे सुनना चाहते हैं, स्वर्गीय सम्माननीय है वो महियुद्दीन तिवारी जी की, वो लाइन सुनाइए। अच्छा, तो एक बात मुरी सजनी गठियालो चुनरिया में है, गठियालो चुनरिया में इंसान का ठग ले हो, इंसान का ठग ले हो, भगवान खका ठग हो, भगवान खका ठग हो। चोरी भी पकड़ जे है और पोल जा खुल जे है, माटी की तोरी काया सब माटी में मिल जे है। तो मुंह बांध चली जे हो दो गज की चदरिया में, एक बात मुनी सजनी गठिया लो चुनरिया में। अच्छा, धन्यवाद। एक राग रागी का गीत, मतलब दरबारी राग का कोई गीत सुनना चाहे तो उसमें कला आपके साथ बताए। राग रागी में जैसे पढ़िया जी ने गाया था, धनिया निशानी छानी गाए अंगना, अब छानी काए अंगना, काए अंगना, काए अंगना, आए ना रहना, छानी काए अंगना, तुम धनिया निशानी छानी गाए अंगना। ये इससे पता लगता है जैसे वो फिल्मी गाना है कभी बेबसी ने लूटा, कभी बेकसी ने मारा, गाने जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, इंद्र धनुष और रेन सुहानी और छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, आग में आग लगाए पायलिया, छानी काए अंगना, तो धनिया निशानी छानी काए अंगना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोलंकी स्टूडियो पलिया चैनल सब्सक्राइब करें, सोलंकी स्टूडियो टी कमर चैनल से टैग करें, सोलंकी स्टूडियो खरगापुर, और हमारे बुंदेली कुछ हम डायलॉग फिल्में बनाते हैं तो सोलंकी डायलॉग फिल्म बोलेंगे तो वो आ जाएगी, सोलंकी इंटरव्यू बोलेंगे तमाम इंटरव्यू हो जाएंगे आ जाएंगे। तो लल्ला जी, आपका आज इंटरव्यू हुआ, आपको कैसा लग रहा है? आपके बालक ने, बालक जैसे बच्चा ने आपका इंटरव्यू लिया, आपके ससुर ने इंटरव्यू लिया, तो कल जाए हमें अच्छा लगा। जैसे तुम पहले भी कहते रहे तो हमने कहा था कि हम तो घर के हैं, पहले सबका लो, हम तो दे देंगे, हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारे मित्र बैठे हैं कैलाश राय जी, भूतपूर्व सैनिक, ये भी हमसे कम से कम 20 साल से हमारे इनकी मित्रता है। और तो एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी लल्ला की दोस्ती एक सच्चाई पर, ना इनके मन में कपट है ना मेरे मन में कपट है, हम दोनों का दिल बहुत साफ है, कभी एक दूसरे ने किसी गद्दारी नहीं की, और जब तक जीवन चलेगा ये दोस्ती। जैसे एक गीत है, कैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो हम लोग एक सुदामा और कृष्ण जैसी दोस्ती है, और ये भगवान से कामना करता हूँ कि हमेशा ये दोस्ती रहे और हम सब हमें प्यार दें, हम लोग सबको प्यार देंगे।
तो लाला जी आखिर में क्या कहना चाहिए? आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा है कि हम सुदामा है तुम कृष्ण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने हमें प्रेम दिया है, हमेशा माना है, हमने भी बच्चे छोटे भाई जैसा तुम्हें प्रेम दिया है, और छल कपट कभी रहा ही नहीं है। जो कहना है तो मुंह पे कहें। अंत में यही कहना चाहता हूँ कलाकारों से, आप लोग बढ़िया से बढ़िया गाएं, आप शब्दों का प्रयोग केवल मंच से ना करें। अच्छा, और अच्छा गाएं, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अच्छा। और आपस में जो है खड़बड़ ना मचाए, एक दूसरे की टांग ना खींचे। बुंदेलखंड को आगे ले जाना है तो सब लोग सहयोग करके आगे ले जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल अभी अभी आया है, लोग आपसे जलते बहुत हैं, आपकी अखबार बहुत उड़ाते हैं, ओ कि गोली घर गई लल्ला में आपने की थी बनाए थे भैया, नहीं गली हमें गोली हैं, कई तरह की अखबार। तो ऐसा होता है कि अक्सर जो है जो प्रसिद्धि पाता है आगे बढ़ता है, आग ही लगा ली लल्ला की, तो लोग बाग जलन पैदा हो जाए। क्या ऐसा हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोरी अफवाहें थी, वो सब जितनी बातें हुई सब कोरी अफवाहें थी, नहीं उड़ना चाहिए। तो उड़ा देते ना लोग बाग, मैंने वही तो कहा है कि जलन आपस में होती है, और जलन के कारण जो है ऐसा पूजने वाज नीच करतूती आज ने लिखा है। आज भी आपकी वही मीठी आवाज है जो जवानी में थी, वो आज भी वही है, तो उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि मैं अपने संगीत को भगवान मानता हूँ। अच्छा, संगीत ही मेरा सब कुछ है। अच्छा हाँ, संगीत अगर संगीत है तो मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ। यानी मेरी माँ भी खत्म हो गई थी तो मैं प्रोग्राम देने के लिए गया था, सुबह फिर अंत्येष्टि की थी। अच्छा, तो मैं संगीत के लिए इतना समर्पित रहता हूँ। अच्छा, कब हो गई थी, कितने समय पे लगे? वही बात है जो है 2000 की, 2000। तो कितने